हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ पूनम कुमावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के मेथड यानी कि स्पेशली रिप्रोडक्शन में भी कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे मैथड्स पढ़े थे। उन्हीं मेथड्स के अंदर स्पेसिफिक जो प्लांट के लिए हम देखते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा था, वो कौन सा था? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कुछ मेथड्स जिसके थ्रू हम न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव वर्ड का मतलब क्या था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वेजिटेटिव जो है वो प्लांट के वो पार्ट होते हैं जहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि वो प्लांट वो पार्ट कौन से होते हैं, रूट पार्ट होता है, स्टेम पार्ट होता है और लीफ पार्ट होता है। ठीक है, हम लोगों ने इन तीनों से रिप्रोडक्शन हमें देखना था, तो जिनमें से हमने रूट के थ्रू कर लिया था जिसके अंदर हमारे पास रूट ट्यूबर बनता है। ठीक है, और एडवेंचर्स बर्ड फॉर्म होती है और स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल था। स्टेम जो है वो तीन टाइप के हमारे पास स्टेम थे, एक तो कौन सा था, अंडरग्राउंड स्टेम था। ठीक है, और एक हमारे पास सब एरियल था और एक हमारे पास कौन सा आएगा, एरियल स्टेम। ठीक है, तो हम अंडरग्राउंड के सारे पॉइंट्स कर चुके थे। अंडरग्राउंड के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सा देखे थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अंडरग्राउंड के थ्रू हमारे पास जो आए थे वो क्या थे, एक तो था राइजोम। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राइजोम पे। राइजोम के अगर एग्जांपल की बात करें तो जिंजर था, यानी कि एग्जांपल अगर हम देखें इसमें तो हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे थे, बनाना देखा था और जिंजर देखा था। ठीक है, इसके अलावा टर्मरिक भी इसी का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने और दूसरा हम लोग कौन से देखते हैं, वो है सकर्स। ठीक है, सकर्स की अगर हम मैं बात करूं तो वहां पे एक बीच में नोड फॉर्म हो रही थी, यानी कि मिंट के अंदर एग्जाम्पल देखा था कि जो लोएस्ट जो बेस से निकलने वाली जो ब्रांच है वो, यानी कि एरियल शूट की जो बेस से निकलने वाली ब्रांच है वो एक ग्रोथ करती है कुछ डिस्टेंस पे और एक नया एरियल शूट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने अंडरग्राउंड में देखा था और एग्जांपल इसका हम लोगों ने क्या देखा था, मिंट। इसके अंदर भी एडवेंचरस रूट फॉर्म होती है। ठीक है, और शकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने और इसके अंदर कौन कौन से देखे थे, अंडरग्राउंड की बात चल रही है तो हम अभी अंडरग्राउंड के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड में हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर्स के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिए थे वो कौन कौन से एग्जाम्पल थे, पोटैटो जिसके अंदर आई बन रही थी। ठीक है, वो भी एडवेंचरस बर्ड का एग्जांपल रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था वो था बल्ब्स। ठीक है, और बल्ब का अगर हम बात करें तो बल्ब में जो हमारे पास एग्जांपल था वो कौन सा था बच्चों, गार्लिक था, अनियन। ठीक है, तो कुछ इस तरह के एग्जांपल थे। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था कॉम्स। ठीक है, तो और कॉम्स का जो एग्जांपल था हमारे पास वो कैलोकेशिया एग्जांपल जो एग्जाम में आया हुआ है वो क्या है, कैलोकेशिया। ठीक है, तो ये सारे बच्चों थे कौन कौन से, अंडरग्राउंड स्टेम की बात चल रही है तो ये अंडरग्राउंड स्टेम का पोर्शन था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब एरियल यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अ सब एरियल स्टैम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देखो अभी तक बच्चों हम सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं ना वो क्लास 11th के अंदर हम लोग करके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी का ही हम थोड़ा रिविज़न कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब एरियल स्टैम है इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो आप बोल सकते हो क्रीपिंग स्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर देखें क्या क्या होता है। देखो इसके अंदर क्या रहता है कि हॉरिजॉन्टल यानी कि बहुत ही नैरो हॉरिजॉन्टल
और ब्रांचेस जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, डेवलप एट द बेस ऑफ क्रॉन, या आप बोल सकते हो ओल्ड स्टेम, या शूट भी बोल सकते हो, ओल्ड शूट, ठीक है, और रूट एट इंटरवल. Where new crown are also formed. ठीक है, एग्जाम्पल में देखें यानी कि इसके अंदर क्या क्या होगा. हमारे पास नैरो और हॉरिजॉन्टल ब्रांच डिवेलप होगी जो ओल्ड शूट है उसके या फिर रूट इंटरवेल के पास भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है. और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल रहेंगे रनर्स के, हम लोग इसके अंदर सब एरियल के अंदर किसका स्टार्ट किया है, रनर्स का स्टार्ट किया है. सो यहाँ पे हमारे पास जो सब एरियल के जो एग्जांपल रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, पहला तो हम इसमें देखेंगे रनर्स के फॉर्म में, ठीक है. दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे स्टोलन के फॉर्म में, और तीसरा रहेगा बच्चों हमारा ऑफ सेट, ठीक है. तो रनर्स का एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है और वो रहता है धूप ग्रास, ठीक है. तो इसके अंदर जो एग्जांपल हमारा रहेगा यानी कि हम पहले कौन सा कर रहे हैं, रनर्स के अंदर देखें तो रनर्स का जो एग्जांपल रहेगा हमारे पास रहेगा वो रहेगा धूप ग्रास, ठीक है, जिसको साइनोडोन भी बोला जाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसको एग्जांपल से अगर हम देखें तो किस तरीके से ये धूप ग्रास रनर्स फॉर्म करती है. जैसे कि ये मान लीजिए ये ग्रास है एंड ये ग्रास है इस तरीके से, ठीक है. और ग्रास का जो ये रूट फॉर्म है यहाँ से, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलेगी, ठीक है, वो और वो रन करेगी और अपने नोड पे फिर से क्या फॉर्म कर देगी, ग्रास फॉर्म करेगी और फिर से वो हॉरिजॉन्टल बेस से निकलेगी और यहाँ पे क्या बनने लग जाएंगी, रूट, और फिर ये नोड से फिर यहाँ पे ग्रास फॉर्म होएगी और यहाँ पे फिर से क्या बनेंगे, रूट्स बनते जाएंगे. तो इस तरीके से यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो क्या रहता है, ये हमारे किसका एग्जाम्पल रहता है, रनर्स का एग्जाम्पल रहता है, ठीक है. सेकेंड हम देखते हैं स्टोलन में क्या होगा, ठीक है. स्टोलन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एग्जांपल पहले देखते हैं. इसमें एग्जांपल देखो, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर रनर्स का एग्जांपल धूप ग्रास रहता है तो यहाँ पे स्टोलन के एग्जांपल में हम दो एग्जांपल हमारे पास फेमस रहते हैं. एक तो रहता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, और जो सेकेंड एग्जाम्पल रहता है वो रहता है वैली सिनेरिया, ठीक है. ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोलन के अंदर. और हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये एक प्लांट है इस तरीके से हमारे पास, ये इसकी लीव्स हम बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ ये इसके रूट है, ठीक है, ये ओल्ड शूट हम बोल सकते हैं यानी कि क्रॉन रीजन है. अब यहाँ से क्या होता है, एक ब्रांच इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और यहाँ पे जब वो जो नोड रीजन होता है वहाँ से इस तरीके से फिर से क्या बनाती है, लीव्स बन रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से ये रूट्स फॉर्म हो गई और फिर जो लोअर बेस से रीजन है वो फिर आगे ग्रो करता है और फिर एक नोड डेवलप करके और फिर से एक और प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है इस तरीके से, ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक. तो यहाँ पे जो ये सब एरियल में यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच हमें देखने को मिलती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोलन बोला जाता है, ठीक है. और जो ये फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स, ठीक है. तो इस तरीके से जो ये आर्क बनता है यानी कि आर्क जो ब्रांच जो होती है, ब्रांच डेवलप करती है, ठीक है, न्यू प्लांट,
किसको डेवलप करेगी, एक नए प्लांट को डेवलप करती है, ठीक है। और ये जो आर्क ब्रांच होती है वो किसके क्राउन के बेस से फॉर्म होती है, इसके बेस से, ठीक है। अब हमारे पास स्टोलन भी आ गया, रनर भी आ गया, और फिर अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ऑफसेट। ऑफसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ भी है, दिखाया हुआ भी है, दोनों ही चीजें। तो हम यहाँ पे ऑफसेट की बात कर रहे हैं अभी। ऑफसेट का जो एग्जांपल है ना, वो बच्चों आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑफसेट के अंदर सेम चीज़ें वही आ रही है, सब एरियल के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनेगा और वो भी उसी तरीके से आर्क के फॉर्म में बनता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये किस तरीके से देखने को मिलती है। हम एग्जाम्पल की बात करें पहले, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल वो हम रहते हैं पिस्टिया। अब ये जो दोनों एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो ये कॉर्निया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसका हमसे कभी कभी इसका जो कॉमन नेम है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसका कॉमन नेम होता है वॉटर हायंथिस, वॉटर क्या बोलते हैं इसको, हायंथिस, ठीक है। और जबकि पिस्टिया का कॉमन नेम अगर हम पूछा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉटर लेटियसी, ठीक है। तो ये कॉमन नेम आपको बहुत ज़्यादा याद, अच्छे से याद करने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी देखेंगे क्यों, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं ऑफसेट को, सेम यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो बनते हैं ये ऑफसेट, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, और यहाँ से इस तरीके से इसमें क्या निकलते हैं, सेम ये अगर प्लांट है तो ये हॉरिजॉन्टल हमारे सामने स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं, और यहाँ पे हम क्या बनता है, रूट फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये जो बीच में हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एग्जांपल किसका है, सब एरियल का है, और सीधी सी बात है कि जो एक इंटरनोड जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, सीधी सी बात है, यानी कि ये नोड रीजन है। अगर हम देखें तो ये क्या है, नोड रीजन, और ये भी क्या है, नोड रीजन, और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड। ये रीजन कौन सा है, इंटरनोड। तो जो रनर्स है, ऑफसेट है, या इन सब के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर इंटरनोड क्या हो जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, जिसको हम ऑफसेट के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद करना कि जो इसका ऑफसेट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोपगेशन में, क्योंकि अगर ये ऑफसेट कट कर दिया जाए यहाँ से तो फिर ये न्यू प्लांट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स पढ़े थे वो कौन कौन से हैं, इसको एक एनसीईआरटी की इमेज से भी समझते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स बहुत अच्छे से यहाँ पे शो हो रहे हैं। कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, वेजिटेटिव। देखो बाकी जो मैंने करवाए हैं ना वो आपको 11th के कुछ पॉइंट्स है जो रिकॉल करवाए हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये कुछ आपके पांच हैं जिनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन या यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोला जाता है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से हैं। अगर एक की हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पोटैटो आइज है, ये देखो ये आइज है, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या बन रही है, ये देखो जर्मिनेटिंग हो रही है, ये आई बर्ड, ठीक है। तो ये क्या रहती है, आई बर्ड रहती है, एडवेंचरस बर्ड होती है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, यानी कि एक तो हमारे पास ट्यूबर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आई, आई बर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो का जो एग्जांपल है वो अंडरग्राउंड स्टेम में रहता है, यानी कि इसको हमेशा याद रखना, इसको अंडरग्राउंड स्टेम में हम कंसिडर करते हैं। और अगर आपको याद हो ट्यूमर जो था हमारे रूट के अंदर भी बनता था, स्वीट पोटैटो के अंदर, वो सिर्फ आपको लर्न करने के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ इन्होंने आई बर्ड को ही शो किया गया है,
ठीक है। दूसरा अगर हम देखें हमारे पास, वो हमें यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है वो एग्जांपल किसका दिख रहा है, ये हमारे पास जिंजर है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखा रखे हैं एडवेंचरस रूट प्रेजेंट है, और ये बर्ड प्रेजेंट रहती है, और ये नोड्स प्रेजेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो ये बन रहे हैं बर्ड्स के फॉर्म में, ये क्या रहते हैं, राइजोम्स रहते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, राइजोम, और एक क्या हो गया, ट्यूमर, दूसरा प्रोपेग्यूल। और थर्ड प्रोपेग्यूल की बात करें तो ये जो थर्ड प्रोपेग्यूल है ये आपके लिए कौन सा रहता है, ये जो थर्ड प्रोपेग्यूल के अंदर आपको दिखाया गया है, वो दिखाया गया है एक बुलबिल, जिसको आप अगेव के एग्जांपल में रखते हैं। वो तो अभी हमने किया नहीं है, वो हम अभी करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगेव की फॉर्म दिखाई है, यानी कि ये क्या है, बुलबिल, इसको अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये किसका है, अगेव का, ठीक है। तो मॉडिफाइड ये क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड में इसको रखा जाता है, अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तीसरा हमारे पास ये रहता है, फोर्थ भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ये अगर आपको देखें ब्रायोफिल्म का एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और जो ये ब्रायोफाइल फिल्म है इसके नोच पे इस तरीके से एडवेंचरस बर्ड बनती है, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है एडवेंचरस बर्ड और ब्रायोफाइलम, यानी कि यहाँ पे जो लीफ के थ्रू हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा एग्जांपल है वो किसका रहता है, ऑफसेट, ये मैंने अभी दिखाया था, ये वाटर हाइंथेसिस में था। देखो ये बीच में जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है ये क्या है, ऑफसेट होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए। तो आपसे प्रोपेग्यूल पूछा जाए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन से हैं, तो ट्यूबर आ जाएगा, राइजोम आ जाएगा, बल्बिल आ जाएगा, ब्रायोफिल्म के अंदर इस तरीके से बन रहा है, ऑफसेट आ जाता है। तो अभी जो थे कि हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम कर लिया था, अभी हम देखते हैं कि इसके बाद में जो एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम, इसका अगर हम देखें, जो कि आपकी वैसे तो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, तो इसके अंदर आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि इसमें इसके अंदर क्या होता है, एक स्टेम का सेगमेंट लिया जाता है, और ऑफ ओपेंशिया एंड अदर कैक्टी डेवलप्स इंटू ए न्यू प्लांट आफ्टर फॉलिंग ऑन द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा हम उसके अंदर भी तो देख सकते हैं कि जो शुगर केन होता है, ठीक है, इस तरीके से शुगर केन के अंदर भी देख सकते हैं हम, तो शुगर केन के अंदर भी जो ये बर्ड वाला रीजन होता है, अगर इसको कट करके या फिर ये अगर न्यू क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओपेंशिया हो गया, या फिर अदर जो कैक्टस के जो प्लांट है उनका एक सेगमेंट अगर टूट के गिर जाता है तो फिर क्या बना देता है, एक नया एरियल स्टेम को फॉर्म कर देता है। इसके अलावा कुछ और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल रहते हैं जो हम अभी इसी इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये वाला बुलबिल क्या है। तो हम अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर एक रहेगा बुलबिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है बुलबिल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक फ्लैशी बर्ड होती है, और जो फ्लैशी बर्ड होती है वो डेवलप होती है किसके अंदर, एक न्यू प्लांट के अंदर, ठीक है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट आफ्टर फॉलिंग ऑन द सॉइल, ठीक है। जब ये सॉइल के अंदर गिर जाएगी तो जिससे नया प्लांट बन जाता है। बुलबिल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने अभी देखा था अगेव, अगेव के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है, क्योंकि अगेव के अंदर फ्लैशी बर्ड ना होकर डायरेक्ट वर्ड यूज किया जाता है मॉडिफाइड फ्लोर बर्ड का, और ये अगेव पे क्वेश्चन आपके नीट के अंदर भी आया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल ऑक्सालिस आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल दूसरा और तीसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पे पाइनएप्पल भी आ जाएगा,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल में आप कर सकते हो लिली, ठीक है। तो इसमें जो अगेव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बाकी के एग्जाम्पल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अलावा, बुलबिल के अलावा एक और टर्म है वो भी काफ़ी बार पूछी गई है, और वो टर्म क्या है, टेरियस। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी क्या होती है, एक फ्रेशी बर्ड होती है बच्चों, और ये भी क्या करती है, डेवलप करती है किसको, एक न्यू प्लांट को, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्लैशी बर्ड थी और मैंने यहाँ पे भी एक फ्लैशी बर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन ये जो फ्लैशी बर्ड होगी वो किस पे होगी, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, यानी कि ये कहानी जो रहेगी हमारी किसके प्रस्पेक्टिव में रहेगी, एक्वेटिक प्लांट के प्रस्पेक्टिव में रहेगी। तो टेरियस जो एग्जाम्पल है, और बुलबुल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रहेगा, यूट्रिक्यूलेरिया, और एक रहता है पोटे मैग्नेटोन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल और है जो आपको याद करने होंगे, क्लियर। ये थे हमारे सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल, जिसके अंदर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी बोला जाता है, और इसके अंदर रनर्स, राइजोम, सकर, चूम्बर, ऑफसेट, बल्ब, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि अभी हमारा एक रह गया है, क्योंकि हमने जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो रूट से तो कर दिया, लेकिन अभी हमारा लीफ से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होना अभी भी बाकी है। ऑल दो हमने लीफ से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इस डायग्राम में, यहाँ देखोगे तो हमने इस डायग्राम के अंदर जो है लीफ से ही वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, ब्रायर फिल्म, और इसके नॉच के ऊपर यहाँ पे क्या बनते हैं, एडवेंचर्स बर्ड बनते हैं, और ये एडवेंचर्स बर्ड होती है वो क्या अराइज करती है, न्यू प्लांट को फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट आ ही गया, लेकिन फिर भी इसको अगर हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, मैं यहाँ एग्जाम्पल इसके मेंशन कर देती हूँ। तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो बिगोनिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वो रहता है ब्रायो फिल्म, ठीक है। और ये दो एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो एग्जाम्पल, एक तीसरा एग्जाम्पल और आप मेंशन कर लो यहाँ पे, वो होता है एडिएंटम कोडेटम, ठीक है। इसको हम वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉकिंग फर्न बोला जाता है, ये आपका नीट का भी क्वेश्चन रहा हुआ है। सो ये हमारे सारे तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो चुके हैं, रूट से, लीफ से भी, और लीफ के अंदर तो हमें इस तरीके से, ये मान लीजिए लीफ थी, और लीफ के यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह से, ये इस तरीके से क्या बनती है, एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, और यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो एडवेंचर्स बर्ड है वो कहीं पे भी जाके गिरेगी, ये क्या है, एडवेंचर्स, ठीक है। और ये जहां पे भी जाके गिरेगी और क्या बना देगी, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, राइट। तो ये आपके सारे के सारे एग्जांपल हो गए किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, राइट। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं कि ये तो थे सारे के सारे हमारे पास जो एग्जाम्पल थे किसके, वेजिटेटिव, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहता है बच्चों। एक छोटा सा पॉइंट और है जो थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो, ये दो तरह से होता है, एक तो कैसा हो रहा था, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हमें तीनों रूट से न्यू प्लांट बना रहे थे, स्टेम से बना रहे थे, और हम लीफ से बना रहे थे, इनसे तीनों से क्या बना रहे थे, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो आर्टिफिशियली भी होता है, ठीक है। आर्टिफिशियली के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है उसको जस्ट एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ज़्यादा इसको डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है।
ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर आपको चार मेथड बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। तीन तो हम ऑफिशियली मानते ही हैं, एक तो रहता है कटिंग के थ्रू, दूसरा रहता है लेयरिंग के थ्रू, और एक होता है ग्राफ्टिंग के थ्रू, और एक होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये चार हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, तीसरा और ये फोर्थ। ठीक है, अब कटिंग के अंदर तो आपको दिख रहा होगा कि कटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी लीफ का या स्टेम का पार्ट कट कर देते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, ग्रो करते हैं, और जिसको एक सॉइल के अंदर डाल देते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, और वहाँ पे वो ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो, गुआवा, लीची, लेमन, रोज रोज के अंदर तो हम फ्रीक्वेंटली करते ही रहते हैं। कलम जो बोला जाता है, कलम को काट के एक नए पॉट में लगाते हैं जिससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। शुगर कैन के अंदर भी लगभग इसी तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, हम कट करते हैं स्टेम का पार्ट, और ये कट करने के बाद में फिर इस तरीके से एक नया प्लांट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कटिंग होने के बाद में फिर आती है लेयरिंग। लेयरिंग को आप समझो, देखो ये जो है वो क्या है, ओल्ड प्लांट है। ठीक है, अब ओल्ड प्लांट की अगर आप देखोगे, जो बेस साइड में जो ब्रांच है, जो बिल्कुल बेस साइड में ब्रांच है, उसको हमने क्या किया, इस तरीके से टिल्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से टिल्ट किया, और यहाँ पे टिल्ट करने के बाद में हम लोगों ने इसको मतलब सॉइल के अंदर दबा दिया। सॉइल के अंदर दबाने के बाद यहाँ से फिर रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक नया प्लांट अराइज होता वह देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टेम होता है प्लांट का, उसको बेंड किया जाता है, यानी कि मोड़ दिया जाता है, और किससे, किसके साथ टच करवाते हैं, सॉइल के साथ, और जहाँ से ये सॉइल के साथ टच होता है वहाँ पे क्या डिवेलप होती है, रूट्स डिवेलप होती है और ग्रो करती है एक नए प्लांट के फॉर्म में। इसके अंदर आपका नीट का क्वेश्चन था जिसके अंदर जैस्मिन पूछा गया था कि जैस्मिन के अंदर आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन आप किसके थ्रू करवाते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, लेयरिंग के अंदर। तो लेयरिंग के अंदर क्या होती है, जो मेन प्लांट होता है उसका जो बेस रीजन होता है, या जो बिल्कुल बेस ब्रांच होती है, जो बेस की साइड में प्रेजेंट होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। वैसे इसके एग्जांपल में हम लेमन और रोज को भी प्लेस करते हैं। रोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ रहा है, कटिंग में भी आता है और लेयरिंग में भी आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर स्टॉक एंड साइकोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्टॉक तो वो रीजन होता है जिसके रूट वाला मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, दो प्लांट लिए जाते हैं, एक तो वो प्लांट जिसके पास रूट प्रेजेंट होती है, और एक प्लांट वो होता है जिसके पास क्या होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, फिर बांध दिया जाता है। ठीक, यहीं पे आप देखोगे ये स्टॉक रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे ये साइकोन है, ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से एक दूसरे के अंदर मतलब ग्राफ्ट किए जाते हैं, और देन इसको क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेम ऑफ प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट, और कवर कर दिया जाता है ग्राफ्टिंग वैक्स से। तो यहाँ पे स्टॉक एंड साइकोन को आपस में क्या कर देते हैं, फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं उसके अंदर ये ग्राफ्टिंग रहती है, जिसके अंदर आपको साइकोन और स्टॉक पे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइकोन तो कौन सा पार्ट होता है, स्टेम पार्ट होता है, और ये वाला कौन सा होता है, रूट पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में आती है टिश्यू कल्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर जो है बायोटेक के अंदर भी पढ़ी जाती है, और टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, देखो बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम कुछ प्लांट सेल्स या टिश्यू को ग्रो करवाते हैं एक ऐसी स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब जो कि चेंज ना होती हो, फ्लक्चुएट नहीं होती हो, और एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। और किस तरीके से ये फिनोमिना होती है, अगर हम वो देखें तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं टिश्यू कल्चरिंग को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि इस फिनोमिना को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। देखो, इस फिनोमिना को, टिश्यू कल्चर फिनोमिना को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, या आप इसको टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हो, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो। माइक्रो प्रोपेगेशन को आप प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं एक और नाम दे देती हूँ इसको, प्लांट टिश्यू कल्चर।
अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इस फिनोमेना में मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, लीफ है, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे, इस इतने से लीफ का सेगमेंट क्या किया, कट किया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पोर्शन कट किया है हमने, ये क्या है, बेसिकली टिश्यू सैंपल है। क्या है, टिश्यू सैंपल है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ठीक है। अब हम इस कट पार्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे, ये मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने फिल कर रखा है न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये सारा क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने इस कट पार्ट को क्या कर दिया, ये मान लो इतना सा कट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है, सेकेंड टाइम पे जो टिश्यू है, जो टिश्यू सैंपल है, उसको हमने प्लेस किया है इन एगार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एगार ग्रोथ मीडियम, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट। मैंने पहले भी बता दिया कि ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट। और इसके अंदर हमने एक प्लांट हार्मोन भी लिया है, वो है ऑक्सिन, ठीक है। तो इस कट प्लांट को, ये क्या है, टिश्यू है, और इन टिश्यू को यहाँ पे, ये जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस मीडियम के अंदर एगार प्रेजेंट है, एगार एल्गी, ठीक है। इलेवंथ के अंदर अगर आपको याद है, जिलेडियम से हम लेते हैं एगार, ठीक है। और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमने इसको डाल दिया, जिसके अंदर एक प्लांट हार्मोन भी पुट किया है, ऑक्सिन। ये सारी चीज़ें अगर याद है, प्लांट फिजियोलॉजी इलेवंथ से रिलेट कर रही है, जहाँ के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर प्लांट हॉर्मोन्स में ऑक्सिन जो होता है वो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो जिब्रेलिन होता है वो आगे स्टेम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आगे हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगी। ये मान लीजिए बीकर है, और इस बीकर के अंदर हम देखें तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये जो टिश्यू कल्चर है, वो टिश्यूज़ है वो ग्रो करते हैं, और इस तरीके से क्या बनने लग गया, यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिन है, और ऑक्सिन क्या करता है बच्चों, सेल डिवीजन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। कुछ टिश्यूज थे और अब वहाँ पे सेल डिवाइड होंगी, और यहाँ पे क्या बन गया, कैलस। ये क्या बन गया, कैलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इस कैलस बनने के बाद में, ऑक्सिन की प्रेजेंस में, इस कैलस के अंदर क्या बनने लग जाएंगी, रूट फॉर्मेशन होने लगी, और जिब्रेलिन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनने लग जाएगी, एक और हम एग्जांपल में इस तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए ये बीकर है, और बीकर के अंदर हमें इस तरीके से ये कुछ जिब्रेलिन की प्रेजेंस में यहाँ पे ये शूट बनने लगी, और यहाँ पे इस तरीके से ये रूट बनने लगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रूट, और ये क्या आ गई, शूट, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या बन गया, प्लांटलेट का फॉर्म हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट, ठीक है। अब ये जो प्लांटलेट है, इसको हम क्या करेंगे, अनदर मीडियम में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, जो कि आगे न्यू होके नया प्लांट बनाता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे स्टेप, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, टिश्यू कल्चरिंग को देखा जाता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक प्लांट टिश्यू को हमने क्या कट किया, कट करने के बाद में उसको एक मीडियम में रखा, जिससे उससे क्या बन गया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, और कैलस फिर आगे किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांटलेट्स में, और प्लांटलेट से आगे क्या बन जाता है, न्यू प्लांट, ठीक है। कब, जब इसको हम
अलग जो भी एरिया है वहाँ पे हम ग्रो करवा सकते हैं। तो ये भी टिश्यू कल्चर के अंदर भी देखो, ये हम लोग क्या है हायर प्लांट के अंदर भी करवा सकते हैं। हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट है इनके अंदर। देखो ऐसा माना जाता है कि जो लोअर या बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल मेथड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर भी टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू क्या करवा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं करना पड़ा। हमें कुछ प्लांट टिश्यूज को लेके हमने न्यू प्लांट को फॉर्म करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये चार जो मेथड है वो हमारे किस में रहते हैं, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास वाटर हायंथिस के बारे में मैं बात कर रही थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो ये वाटर हायंथिस है ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं वाटर हायंथिस की, ठीक है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हम किसका नाम बता रहे हैं, वो है एकॉर्निया। ठीक है, नाम किसका बताया जा रहा है, ये एकॉर्निया का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बात किसकी चल रही है, एकॉर्निया की, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। अब इस एकॉर्निया को वाटर हायंथिसिस या टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये है, क्यों इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, और ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही इसको हम पढ़ते हैं। रीजन क्या है इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने का, देखो वो ये है कि पहले तो हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, और अभी अभी हमने देखा एसेक्सुअल के अंदर भी किसके थ्रू, ऑफसेट के थ्रू करता है। ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट ऑफसेट का एग्जांपल था ये, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारे पास वाटर हायंथिस है और यहाँ पे, और इस तरीके से ये रूट बनी और यहाँ पे इस तरीके से बीच में ऑफसेट बनता है और फिर इस तरीके से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, ऑफसेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है लेकिन इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये कि सबसे पहली चीज कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, इसके अंदर पहली चीज कि इकोनिया क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक इन्वेसिव वीड है। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज इससे रिगार्डिंग वो ये कि इकोनिया की दूसरी चीज कि ये ग्रो कहाँ करता है। तो अगर इसकी ग्रोइंग पूछा जाए तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था, ये हमेशा स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, रुके हुए पानी में, बहते हुए पानी में कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तीसरी चीज ये इसको मतलब टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, रीजन वो ये है कि ये एक तो रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और कवर कर देता है बहुत ही जल्दी ऑल वाटर बॉडी को। ठीक है, कैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि ये मान लीजिए एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के अंदर हम देखें इकोनिया, ये इकोनिया है और ये इकोनिया ऐसे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करके क्या कर देगा, पूरी की पूरी बॉडी को, वाटर बॉडी को इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब क्या होगा, इसने पूरी वाटर बॉडी को क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब क्या होगा कि ये मतलब अपने मल्टीप्लाई होने के लिए ये क्या करता है, फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग जब होगा तो क्या बनेगी, एनर्जी। अब यहाँ से भी ये क्या कर लेता है, एनवायरनमेंट से भी ये क्या ले रहा है, O2 ले रहा है, और प्लस जो ये वाटर के अंदर प्रेजेंट O2 है वो भी ये क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर यानी कि इस वाटर
बॉडी में O2 का कंसंट्रेशन क्या गया, डाउन हो गया, क्योंकि सारा वाटर तो किसने ले लिया, वाटर हाइथिस ने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बहुत ही जल्दी ग्रो करता है तो वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी, यानी कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। और जिससे क्या होगा, अब इसने वाटर बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन था वो ले लिया, अब इसको क्या, ये जिससे क्या होगी कि डेथ हो जाएगी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेस हुए। और दूसरा, ये पूरे बॉडी को, सरफेस को कवर कर देता है, तो जिससे क्या है, जो सन है, ठीक है, तो इस सन की लाइट भी क्या है, वो पानी के अंदर तक नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। देखो रीज़न ये है, एक तो रीज़न ये हो गया, इसने क्या कर दिया कि जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, जिससे कि एनर्जी को मतलब बनाने के लिए कर रहा है, जिससे कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये, इसका सेकंड रीज़न, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, उसका सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न है कि ये क्या कर देता है, कवर ऑल दी सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी, सो यहां पे क्या होगा, सनलाइट नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द वॉटर बॉडी। सो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाएंगे, नो फोटो सिंथेसिस, ठीक है। तो ये भी रीजन है इसका कि इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। यहाँ पे इसको टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल बोलने से मतलब क्या है, रीजन ये है यहाँ पे इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिया का प्लांट नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको बाहर से लाया हुआ है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये प्लांट है, यानी कि दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इंडिया, क्यों भी इसको, जब ये इतना खतरनाक है क्यों इसको लाया गया, तो इसके पीछे रीजन होगा, बिकॉज इसका जो पहला रीजन है वो क्या है, इसका पहला रीजन तो ये था कि इसके बहुत ही सुंदर, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये इसके लगते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था कि इसकी जो शेप ऑफ लीव्स है, ठीक है, यानी कि कर्व्ड शेप होती है इनकी, जो फ्लावर है वो बहुत सुंदर होते हैं और इनके पिंक और वायलेट कलर के फ्लावर लगते हैं, और इनकी जो लीफ होती है वो ऐसे कर्व्ड होती है, और फ्लावर जो होते हैं वो पिंक और वायलेट कलर के होते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये जो आफत है, इसको खुद हम लेके आए थे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में, इन शॉर्ट कि भाई ये बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि इसके फ्लावर भी बहुत सुंदर है, इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर है, तो इसको एज ए ऑर्नामेंटल, एज ए, इसीलिए हम इसको एज ए ऑर्ना मेंटल प्लांट के फॉर्म में इसको लेके आए थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि लेके तो इसलिए आए थे, लेकिन ये क्या कर देता है पूरी बॉडी, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मैंने पहले भी यहाँ पे मेंशन किया था कि ये कौन सा डिवीजन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कहाँ से ले लेता है, मतलब वाटर से, जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा गेन कर लेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पूरी पूरी वाटर बॉडी को क्या कर देगा, कवर कर देगा, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो
सीधी सी बात है, इस आफत को हम खुद ही लेके आए थे क्योंकि ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अट्रैक्टिव था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। अब आपके आता है क्वेश्चन कि बोर्ड में टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, तो आप दो रीज़न बता सकते हो। एक तो ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन को खा जाता है सारी की सारी, और दूसरा ये सनलाइट को भी पेनेट्रेट नहीं होने देता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो वाटर हाइंथेसिस है वो किस तरीके से प्रोपगेट होता है या किस तरीके से अपनी कॉपीज को इंक्रीज करता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पे फिनोमिना रहेगा, बहुत ही जल्दी बहुत ही कम पीरियड में ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी आफत है, इन शॉर्ट सुंदरता के लिए लेके आए थे लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के रह गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे मेथड किसके लिए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए थे। अब आता है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो जो ये रहते हैं कि यहाँ पे हम बार बार नोड और इंटरनोड के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स क्या है। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है कि अगर आप सोचो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो पोटैटो है, ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शुगर कैन है, ठीक है, बनाना है, जिंजर है, ठीक है, अगर इन सब का कल्टीवेशन पूछा जाए आपसे, अगर आपको इसका इन सब का कल्टीवेशन करवाना है तो आप कैसे करवाओगे, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए हम बोलेंगे कि भी आई है पोटैटो की, तो हम क्या ले लेंगे, आई, ठीक है, जो कहाँ पे लगती है, बर्ड पे लेती है। ठीक है, शुगर केन की बात आएगी तो शुगर केन के अंदर हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट में एटलीस्ट वन क्या होनी चाहिए, नोड होनी चाहिए, फिर से नोड आ गया। ठीक है, और थर्ड बनाना और जिंजर दोनों के अंदर तो बहुत आसान है क्योंकि इन दोनों के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत रहती है, राइजोम की, और जो राइजोम है वो भी कहाँ पे अराइज होता है, नोड पे। तो यहाँ पे नोड जो है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि जो भी न्यू प्लांट्स होते हैं वो अराइज कहाँ से हो रहे हैं, नोड से। तो ये आपका एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि न्यू प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ ठीक है, और जो ये कहाँ से अराइज होती है, नोड से अराइज होती है, और नोड प्रेजेंट कहाँ होती है, तो जो नोड होती है वो प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, इन यही जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं की ही स्टेम मॉडिफाइड फॉर्म होती है नोड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो नोड होती है, जो नोड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोड, ठीक है, तो नोड को अगर हम नोड जो है वो कम कॉन्टेक्ट विद, किसके कॉन्टेक्ट में आती है, डैम्प सॉइल एंड वाटर, ठीक है, तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस रूट एंड शूट, यानी कि न्यू प्लांट, सीधी सी बात है, न्यू प्लांटलेट्स। ठीक है, तो नोड तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हमें देखना है कि नोड पे ऐसी क्या स्ट्रक्चर अराइज होती है। देखो नोड पे आप यूं समझ लीजिए क्या बनता है, एडवेंचियस वर्ड बनती है। आपके एनसीईआरटी की सारे के सारे स्टेटमेंट है बच्चों, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन्स होती है जो आपको पजल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नोड होती है वो वहाँ पे क्या अराइज होता है, एडवेंचर्स बर्ड, और जिससे क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्म होता है। इतना ही नहीं, जो एडवेंचर्स बर्ड है वो, ये तो हम बात कर रहे थे किसके अंदर, मॉडिफाइड स्टेम की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एडवेंचर्स बर्ड जो होती है वो और भी अराइज होती है, कहाँ पे देखा जाए,
तो नोट्स प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, अगर हमें ब्रायोफिलम याद है तो ब्रायोफिलम की भी जो नोचेस थी वहाँ पे ही एडवेंचरस बर्ड प्रेजेंट होती है, और फिर वो क्या बनाती है, ये नोचेस जो होती हैं यहाँ से क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचरस बर्ड होती है जो आगे क्या बना देती है, नए प्लांट का। तो यहाँ पे बर्ड जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो अब अगर हम बर्ड देखिए कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप देखिए कि बर्ड को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए ये स्टेम है और स्टेम के अंदर एक इस तरीके से नोड प्रेजेंट है और एक यहाँ नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, नोड, और ये भी क्या है, नोड, ठीक है। और इन नोड से क्या होता है, अराइज होता है सम बर्ड, ठीक है, जो कि आगे न्यू प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों प्लांट के बीच, दोनों सॉरी नोड के बीच का जो ये एरिया रहता है, यानी कि कौन सा डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंटरनोड। इन दोनों डिस्टेंस के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड, क्या बोला जाएगा, इंटरनोड। तो ये आपको क्लियर हो गया नोड और इंटरनोड क्या है, और इंटरनोड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम देखें कि इतना होने के बाद में अगर हम आगे जाएं तो हमें ये किस तरीके से देखने को मिलता है कि अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे बच्चों, एसेक्सुअल ये बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, ना गैमेट बन रहे थे, ना दो पेरेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि दो पेरेंट्स चाहिए, हमें सेक्स ऑर्गन चाहिए, गैमेट बनाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, जायगोट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट सर्विस वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो मैथड है वो कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक बहुत ही कॉमन मैथड है, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अगर हमसे पूछा जाए तो ये उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लिए होते हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लाइक कौन कौन से, एल्गी हुआ और फंजाई हुआ, ठीक है, एल्गी और कौन, फंजाई, इनकी बड़ी ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। एल्गी यहाँ पे क्या है, सिंपल प्लांट है। तो अगर एक चीज़ देखो, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जब ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन, देखो एक चीज़ याद रखना कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो ये कौन सा डिविजन करते हैं, एसेक्सुअल, कौन सा डिवीजन करेंगे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन बट मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन की, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जिसको आप ड्रॉट कंडीशन या फिर एडवायर कंडीशन भी बोल सकते हो, एडवर्स कंडीशन, ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एल्गी हुआ या फंजाई हुआ, ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान रिप्रोडक्शन करते हैं कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. कब करते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है. ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे ऐसा मतलब करने के पीछे रीज़न क्या है कि ऐसा इनको मतलब ये नॉर्मली तो ये सेक्सुअल करते हैं और ये सेक्सुअल करना पसंद भी करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं. रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये कि भाई जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जिनमें फ्यूज़न होता है और मेल और फीमेल यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेल अपने जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चे में डालेगा प्लस फीमेल जो होता है वो डालेगा. तो यहाँ पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, वो बहुत ही वेरिएंट होगा. उसके अंदर क्या होगी, वेरिएशन आएगी. ठीक है, उसके अंदर जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी, जो यूज़फुल वेरिएशन होती है, उन वेरिएशन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अगर हमें सर्वाइवल को इंक्रीज करना है तो हमें किसके ऊपर मूव करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म वाली जो ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गा है और फंजाई है, ये नॉर्मली तो क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये कहाँ मूव कर गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऐसा क्यों करते हैं? तो आप बता सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल और फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स लेके जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनता है वो पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या लिए होता है, वेरिएशन, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी वो उतना ही उसका सर्वाइवल रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगी. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो सिंपल की बात चल रही थी. ठीक है, हायर प्लांट्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन फॉर्म करेंगे. कौन कौन सा? पहला तो एसेक्सुअल भी करेंगे, जिसको आप वेजिटेटिव भी बोल सकते हो. ठीक है, और दूसरा वो सेक्सुअल मोड भी करेंगे. ठीक है, हायर प्लांट से तो फ्लावर होंगे, फ्लावर से वो सेक्सुअल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हायर प्लांट्स के केस में तो ऐसा होगा, बट अगर हम बात करें एनिमल्स के प्रस्पेक्टिव में, अगर हमारा एनिमल के प्रस्पेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, तो वो एनिमल जो होते हैं मोस्टली एनिमल तो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल ही करते हैं. ठीक है, लेकिन जो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, जैसे कि हाइड्रा की अगर बात करें, हाइड्रा थे, स्पॉन्ज था, तो ये जो है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं. क्लियर हो गया? सो यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म और एनिमल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है. अब इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या रहता है, वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसको अगर हम प्लांट के प्रस्पेक्टिव में देखें तो हम उसको इन द केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव. ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. क्या क्या? जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है, यानी कि हम इनकी किसके बारे में बात करेंगे, एडवांटेज. ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेज क्या क्या रहेगी, तो हम पहली एडवांटेज यहाँ पे देखते हैं. देखो ये जो ऐसा मेथड है, यानी कि इट इज़ अ ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन
एप्लीकेशन, वो फिनिट का क्वेश्चन भी था, सीडलेस प्लांट बनाना, एग्जांपल की बात करें जैसे कि बनाना जो होते हैं सीडलेस होते हैं, शुगर कैन, ठीक है। इसके अलावा सीडलेस ग्रेप ऑरेंज सीडलेस, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनके पास ये ओनली मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज की बात करें हम इसके अंदर, तो दूसरी एडवांटेज क्या रहेगी कि जो प्लांट रहते हैं वो इनडेफिनेटली टाइम तक क्या रहता है, विदाउट एनी चेंज और वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्लांट जो होता है, प्लांट कैन मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली, विदाउट एनी चेंज और वेरिएशन, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही जल्दी होता है, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो देयर इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा विद जेनेटिक यूनिफॉर्म मिलती, यानी कि जो जेनेटिक, देखो वेरिएशन तो आ ही नहीं रही है ना, तो वेरिएशन आने के कारण जो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्मिटी किसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर वो ये रहेगा कि इससे जो प्रोड्यूस होंगे प्लांट वो क्या रहेंगे, डिजीज फ्री होंगे, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाएगी डिजीज फ्री आप प्लांट अगर आपको बनाना है तो आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे, वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में भी पूछे तो डिजीज फ्री के लिए आंसर आएगा हमारा। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेके नया प्लांट फॉर्म कर रहे हैं तो डिजीज फ्री प्लांट होगा, टिश्यू कल्चर इसका बेस्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे वो है कि कुछ भी प्लांट के अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, गुड क्वालिटीज़ ऑफ द प्लांट can be preserved for a long time। ये आप सारी चीज़ें नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट है कि इसके अंदर जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं जिनका जेनेटिकली क्या है, ये मॉडिफाइड होते हैं। वैसे तो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम बायोटेक करेंगे तब, कैन प्रोड्यूस यानी कि ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो कैन बी प्रोड्यूस यूज टिश्यू कल्चर। मैंने कहा ना कि जब हम पढ़ेंगे तो आएगा इस तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है, तो पहला ये एकमात्र ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम सीडलेस प्लांट्स के अंदर क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या उनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरा, इनके अंदर वेरिएशन तो आएगी नहीं, तो जिससे या चेंजेस तो आते नहीं हैं, तो क्या होगा कि जो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहेगी, यानी कि जो जेनेटिक है कुछ क्वालिटी है उस जेनेटिक के वो क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज फ्री प्लांट अगर आपको गेन करना है तो आप कौन से रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करोगे, तो आंसर आएगा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में भी पूछा जाए तो टिश्यू कल्चर आएगा, ठीक है। और गुड क्वालिटीज इसके अंदर क्या रहती है, लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। तो ये सारी की सारी क्या थी बच्चों, इसकी एडवांटेज थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज की, कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज, देखो एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी तो आएंगी, ठीक है। एडवांटेज की बात करें
तो क्या एडवांटेज है हमारे पास देखते हैं। जो पहली डिसएडवांटेज है इसकी वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, वो क्या रहती है कि जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स होते हैं ना, वेजिटेटिव जैसे कि आई बर्ड थे, ठीक है, और ऑफसेट में एडवांटेज बर्ड थे, ये सारे के सारे क्या थे, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, वो बहुत ही ईजीली क्या हो सकते हैं, डिके हो सकते हैं, ठीक है, एंड आर प्रोन टू वायरल बैक्टीरियल और फंगल डिजीज, यानी कि बड़ी जल्दी ये डिके होने के साथ साथ इनके अंदर वायरल बैक्टीरियल या जो फंगल जो डिजीज है वो लग सकती है इनको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज क्या रहे, डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि देखो जब वेरिएशन नहीं आती है, नो वेरिएशन, अब जब वेरिएशन नहीं आती है तो आपको पता है सर्वाइवल रेट क्या हो जाता है पर्टिकुलर प्लांट का, कम हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंजेस के लिए, यानी कि आप बोल सकते हो वेरिएशन ना आने की वजह से, तो जो लेस अडेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड, इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि वो ये है कि यहाँ पे जो देयर इज नो डिस्पर्सल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल, ज्यादा दूरी तक ये फैलते भी नहीं है, ठीक है। सो ये इनकी क्या थी, ओवर क्राउडिंग, ये थी सारी की सारी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये सारी की सारी थी डिसएडवांटेज। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, या तो ऐसे आ जाता है या फिर आपसे यूं भी पूछ लिया जाता है कि आपसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रस्पेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनकी एडवांटेज लिखनी है, एडवांटेज, ठीक है। तो एसेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होगी, पहली अगर एडवांटेज की बात करें, पहली एडवांटेज हमारे पास यहाँ पे ये रहती है कि भाई ये यूनिपेरेंटल कंडीशन है, यूनिपेरेंटल कंडीशन है, ये एडवांटेज है, दो पेरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी कि इट्स ए इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस, यानी कि इसके अंदर हमें मियोसिस जैसे टिपिकल सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि इट इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड माइटोसिस। तीसरा, ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बड़ा ही जल्दी, बड़ा ही रैपिडली इसमें नंबर ऑफ कॉपीज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फोर्थ पॉइंट इसका कि सिंगल पेरेंट जो है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल पेरेंट जो है बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और लास्ट इसका है कि इसके अंदर जेनेटिकल जो होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली क्लोन्स बनते हैं, तो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी, एडवांटेज थी किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और अब हम बात करें डिसएडवांटेज क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
तो डिसएडवांटेज हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास डिसएडवांटेज आएंगे। तो डिसएडवांटेज क्या क्या रहेंगे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो देखते हैं। जो पहला जो डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिकल मटेरियल की मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। सो जेनेटिकल मटेरियल की मिक्सिंग नहीं है, नो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिकल मटेरियल की क्या है मिक्सिंग नहीं है, नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, ठीक है। जिससे क्या नहीं आएंगी, नो वेरिएशन, ठीक है। अब इससे क्या होगी, वेरिएशन नहीं आएंगी, ठीक है। अब जब वेरिएशन नहीं आएंगी तो फिर नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी नहीं होगा, और इनका जो सर्वाइवल रेट भी है, इस वजह से इनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए ये क्या नहीं शो कर पाएंगे, अडेप्टेबिलिटी नहीं शो कर पाएंगे। थर्ड अगर हम देखें इसकी डिसएडवांटेज क्या रहती है, वो रहेगी ये रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ओवर क्राउडिंग कोज करते हैं, बहुत ही जल्दी इनका नंबर क्या है बढ़ जाता है, यानी कि रैपिड क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कोज ओवर क्राउडिंग, ठीक है। और फोर्थ इनका जो रहेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके पास, मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएशन नहीं है और एवोल्यूशन नहीं है, तो इन दोनों की वजह से जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं इनके पास लो अडेप्टेबिलिटी होती है टू द चेंज्ड एनवायरमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्या रहती है, लो अडेप्टेबिलिटी। टू दी चेंज्ड एनवायरमेंट, ठीक है, क्योंकि इनमें वेरिएशन भी नहीं है और ना ही इनके अंदर क्या है, इवोल्यूशन भी नहीं हो रहा, वेरिएशन भी नहीं आ रही है, जिससे इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स किसके बारे में थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थे, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि इनके एडवांटेज क्या है, इनकी डिसएडवांटेज बताओ, तो ये सारे के सारे इनके क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वहीं हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कशन कर लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो किसके परस्पेक्टिव में थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो देखो ये जो है बड़ा ही फास्ट और फ्यूरियस और बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ मेथड है रिप्रोडक्शन का, और इसके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट और लोअर प्लांट दोनों ही करते हैं, ठीक है, लेकिन जो अनफेवरेबल कंडीशन में लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ऐसा एनिमल भी, एनिमल मोस्टली तो सेक्सुअली करते हैं, लेकिन कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स भी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे जो मेथड्स हैं, हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं उन दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देन हमारे जो पहला मेथड आप लोगों ने देखा था वो था फीजन देखा था, दूसरा मेथड आप लोगों ने देखा वो क्या था, बडिंग, ठीक है। थर्ड आप लोगों ने देखा था फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और फोर्थ आप लोगों ने देखा था रीजनरेशन, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, और सिक्स पे हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, मेथड थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। और आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका थर्ड और सेकेंड फोर्थ चैप्टर है जो ट्वेल्थ का, वो भी यही रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जहाँ से भयंकर क्वेश्चन आएंगे आपके नीट के भी और बोर्ड के भी। तो अभी तक जितना भी है आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इलेवेंथ में आप लोगों ने किए थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ उनके नाम दिए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि एनसीईआरटी की एक लाइन है जहाँ पे यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड यूज़ किया गया है, सच एज ए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बोले गए हैं, इनको यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला गया है, और ऑल कैपेबल टू राइजिंग इन न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स भी बोला गया है। लेकिन हमने यहाँ पे राइजोम क्या है, किस में प्रेजेंट होते हैं, रनर क्या है, किस में प्रेजेंट होते हैं, सकर का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, ऑफसेट क्या है, बल्ब क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में भी पढ़ी है। वाटर हाइंथिसिस जो टेरर बेंगोल है वो स्टैंडिंग वाटर में होने वाला इन्वेसिव वीड है, और वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और सनलाइट को भी पेनिट्रेट नहीं होने देता, इसीलिए इसको हम टेरर ऑफ बेंगोल बोला जाता है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी, तो बच्चों मैं दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ, वजह क्या थी, वजह था उनके बहुत ही सुंदर फ्लावर होना और प्लस शेप ऑफ लीव्स। देखो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती रहती हूँ कि उनको प्लीज़ रिकॉल, यानी कि जो 3 R वाला सिस्टम है उसको ज़रूर फॉलो करें। देखो रिवीजन, रीडिंग और रिकॉलिंग, ठीक है। रीडिंग तो हम लोगों ने अब कर ही ली है ना, रीडिंग करने के साथ आप रिकॉल और रिवीजन करते रहोगे तो आपको दोबारा से नोट्स या एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट आपका बहुत ही क्लियर होता रहेगा। और यहाँ पे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वो बता रही हूँ जो कि सिर्फ नाम दे के छोड़े हुए हैं और इलेवंथ में आपने डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ें, आपको बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कहीं पर क्या ही पढ़े, कैसा भी पढ़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपकी जो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एनसीईआरटी से क्लियर होनी चाहिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ये क्लियर होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में स्टैंडिंग वाटर टेरर ऑफ बंगाल के लिए दिया हुआ है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं और नोट्स या कुछ भी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि स्टैंडिंग वाटर के अंदर टेरर ऑफ बंगाल जो है वो ग्रो करता है। सो ये थे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके मेथड्स देखेंगे किस तरीके से कंप्लीट होता है और वो किस तरह की फिनोमिना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।